नहीं करता हूं तो धिक्कार है मेरे सामाजिक चरित्र को और मेरे परिचय को। को बना के रखे हुए बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी पर भी ये विप्र मंत्र बोलता है, समुद्र के किनारे भी मंत्र बोलता है, अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, आर्यावर्ते, भरतखंडे, जम्मू द्वीपे, अमुक गोत्र से पुरोहितम, अनुप गोत्र से यजमान, अनुष्ठान करिए। ये देश एक है, अखंड है, उसमें विप्र समाज का बहुत बड़ा योगदान है। ये राष्ट्र की चिंता करता है, ये देश की चिंता करता है, ये यज्ञ की वेदी पर जब बैठता है तब भी मंत्र भगवान से यही प्रार्थना करता है, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया। तो इस सुशील ओझा राष्ट्रीय स्तर पर विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष हैं, आज वो भी इस कार्यक्रम में आए, बड़ा सफल आयोजन हुआ। सर, विप्र फाउंडेशन ने कुछ मांगे भी रखी हैं। कुछ मांगे रखी हैं, आज इसमें कांग्रेस के बड़े नेता जितेंद्र भारद्वाज भी थे, इसमें पूर्व मंत्री कैलाश जी शर्मा मेरे साथ खड़े हैं, पूर्व विधायक राधेश्याम जी भी हैं, और आज कुछ मांग कि हमको हर लोकसभा में एक विप्र को विधानसभा की टिकट दी जाए, एक विप्र आयोग बनाया जाए जो सब प्रांतों में बन गया है, उस पर हम अपने अपने स्थान पर पूरा विचार करें। टीटो आज निश्चित बाई चांस इलेक्शन एक महीने पहले होगा, तो ये राज्य स्तरीय हमारी पूरे ऑल इंडिया में होती है, तो विप्र फाउंडेशन का मैं भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। तो आज यह जो सामाजिक फंक्शन था उसमें कोई पॉलिटिकल कनेक्ट नहीं है, ये केवल हमारी राज्य की कार्यकारिणी की मीटिंग करीब करीब ढाई तीन महीने पहले निश्चित हुई थी। तो आप इसको किसी भी तरीके से आप ये ना सोचें कि ये समाज की चुनाव की वजह से मीटिंग हुई, ये तो ऑलरेडी प्री प्लान मीटिंग। तो किस तरीके का समाज के अंदर क्या ऊर्जा भरी गई, आपने किस तरीके का ये समाज बाजार में पीछे मीटिंग थी, यहाँ भी मीटिंग की, और इन्होंने मांग पत्र भारतीय जनता पार्टी को भी दिया, हमें भी दिया, जो अपने मैनिफेस्टो में डालेगा समाज, नेचुरल सी बात है कि समाज की डिमांड है, पूरी होनी चाहिए। हमने पहले पंचकुला में मैंने भी डिमांड रखी थी, जो सारी फाउंडेशन ने अब रखी है, इस सेम मैंने पंचकुला ब्राह्मण संसद के अंदर ये डिमांड रखी थी सरकार से। मूलचंद शर्मा जी हमारे वरिष्ठ मंत्री उसमें मौजूद थे, बाई चांस किसी कारणवश वो नहीं पूरा कर पाई सरकार, तो इन्होंने अब आगे फिर दोबारा से ये डिमांड रिपीट की है, तो हम उनका सम्मान करते हुए कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो मांगे हैं वो पूरी करने के लिए हम अपने मैनिफेस्टो में ये अपनी नीति बनाई। सर, जिस प्रकार से आपने अपने अभिभाषण में कहा कि 10 सीटें ब्राह्मण के लिए हम रखेंगे, क्या आपकी पार्टी किस तरीके रखेंगे रखेंगे नहीं कहा, मैंने कहा मांग करेंगे, जो होनी चाहिए वो हर पार्टी की अपनी अपनी नीति है। मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और साथ में विप्र फाउंडेशन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हूँ, तो मैं अपने पार्टी प्लेटफॉर्म पर डिमांड रखूँगा। मैंने और जो दूसरे नेता आए हुए थे बीजेपी के, उनसे भी डिमांड की है कि आप भी रखें, हम भी रखें, जिससे समाज को भी, कोई भी समाज जब विधानसभा में उसका प्रतिनिधि पहुँचता है तो वो नेचुरल है अपने विधानसभा के साथ साथ अपने समाज की भी मांग रखता है, तो उस समाज की आवाज़ को बुलंद करने का एक तरीका है हर समाज की, ना कि आज देखिए अगर रिजर्वेशन ना होती तो किस तरह से हम ऐसी समाज की मांग उठा पाते, दलित वर्ग पिछड़ा पीछे रह जाता है, कैसे उसकी मांग उठा पाते। तो यही एक नीति होती है कि हर समाज को प्रतिनिधित्व तो उसकी जनसंख्या के हिसाब से मिले, यही हमारे नेता कहते हैं और यही हम मांग। क्या लगता है कि सारा आपकी इन मीटिंगों के माध्यम से पूरा समाज एकत्रित हो पाएगा और आगे अपना प्रतिनिधित्व तो बढ़ा पाएगा? लेकिन जहाँ तक एकता की बात है वो तो सबके अपने अपने स्वयं विवेक के निर्णय होते हैं। अपन तो विप्र फाउंडेशन का एक कॉल भी है, उस कॉल के ऊपर जिसने वो हित सोचना है जरूर इकट्ठा होगा, जिसने अपने निजी हित सोचने कहीं अपने निजी हित से जुड़ेगा, ये कोई विषय नहीं है कि कौन प्रोजेक्ट होगा या नहीं होगा। हमारा निरंतर मांग होती है कि हम कार्य करें, अब वो उससे जुड़ता कौन कौन है वो उसके अपने स्वयं विवेक के ऊपर निर्भर। कांग्रेस सरकार आती है तो ब्राह्मण को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा? बिल्कुल, ये पार्टी का निर्णय है, हमारे नेता ने 19 में भी घोषणा की थी हुड्डा जी ने, और अभी भी उन्होंने जब हमने मांग ब्राह्मण संसद में रखी थी उसके बाद उनसे पूछा गया था तो उन्होंने हाँ करी इस बात पे, और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम एक हरिजन समाज से भी बनाएंगे, दलित समाज से भी। तो कहने का मतलब है कि पार्टी जिस
जाति को जितने उसकी संख्या है उस हिसाब से मंत्रिमंडल में उचित स्थान दे। क्या कुलदीप जी आपने विप्र फाउंडेशन के उद्देश्य क्या कुछ मांगे आपने रखी हैं नेताओं के सामने, क्या तो वो मांगे हैं और कितना उसको? आज सुशील जी हमारा सौभाग्य था कि आज हमारी आनमोल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के शीर्ष नेता मौजूद थे और हमने उस समय सदुपयोग करते हुए हमारे दोनों हमारे समाज के जो कद्दावर दिग्गज नेता हैं हमने उनके आगे अपने समाज की समस्याएं और मांग रखी। और ये बताते हैं मुझे अति हर्ष हो रहा है कि हमें दोनों तरफ से बहुत सकारात्मक रूप में उसका जवाब मिला। आदरणीय हमारे विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी जितेंद्र भारद्वाज जी, उन्होंने भी उसके बारे में हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया और माननीय रामविलास शर्मा जी ने भी भाजपा के दिग्गज और शीर्ष नेता उन्होंने भी हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। आप देखते हैं कौन सी पार्टी अपने हमारी जो मांगे हैं उनको अपने मैनिफेस्टो में डालती है और फिर उसके बाद आगे देखा जाएगा क्या करना है। सबसे मुख्य मांग आपने क्या रखी? हमारी मुख्य मांग है सर, एक तो देखिए हमारे समाज का डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो हमें चाहिए, वो तो हमें हर हाल में चाहिए। हमारे को 100% अपना डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाहिए। EWS में जो हमारा जो हमारे आरक्षण को 10% किया गया उसको आप 15-16% करिए और उसमें वर्गीकरण करके कैटेगरी में उसको करिए। दूसरा जो हमारे ब्राह्मण आयोग का गठन करिए, 1 करोड़ का उसका कम से कम बजट होना चाहिए स्टार्टिंग में, उसके ज़्यादा आप उसको बढ़ाते रहिए टाइम टू टाइम। उसके अलावा हमारे जो पंडित पुजारी हैं उनको आप एक फिक्स मान दे दीजिए और हमारे बच्चों के लिए हर जिले में छात्रावास होना चाहिए। उसके तरह फिर हमारे को ब्राह्मणों के लिए एक एट्रोसिटी एक्ट होना चाहिए कि कोई ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्द ना बोल पाए। तो इस तरह की मांगे हमने रखी हैं और हम ये रिपीटेडली ये हमारी हर मीटिंग्स में सभा में उठाते रहते हैं। नहीं करता हूं तो धिक्कार है मेरे सामाजिक चरित्र को और मेरे परिचय को। इस बात पर आप चिंतन करिए, आप चिंतन करिए कि अगर एक सुशील ओझा 40 रुपए की फीस जमा नहीं देने के दंश को जिंदा रख करके 40 साल 42 साल से मैं उसको जिंदा रख करके बिना पूछे मेरे धोए हुए अच्छे साफ सुथरे कुर्ते पहने हुए कौन समझेगा इसको देख के कि इतना गरीब परिवार का है ये। लेकिन मैं बिना पूछे आपको बता रहा हूं, मैं यहां ये दिखाने नहीं आया हूं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। और एक व्यक्ति अगर 10-20 हजार लोगों की पढ़ाई की व्यवस्था में सहयोगी बन सकता है तो यार क्या आप में कोई कमी है? नहीं कर सकते? इन संस्थाओं को बोलिए कि कोई जरूरत नहीं अभिनंदन समारोह की, दुपट्टों की, माड़ाओं की, वो उसमें तुलने की, वो ताकड़ी में तराजू में तोलने की। आप तो प्रण ले लो कि मेरे समाज के होनहार बच्चे जो उच्च पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं, ऊंची वाली बड़ी पढ़ाई, उस पढ़ाई के लिए विप्र फाउंडेशन हरियाणा के पास उन बच्चों को भेजेंगे और हम उस विप्र फाउंडेशन को इतना ताकतवर बनाएंगे कि उन बच्चों में एक भी बच्चा वापस नहीं लौटे। विप्र फाउंडेशन ने 327 बच्चों को आपके आशीर्वाद से डॉक्टर, चार्टर्ड इंजीनियर, सीए, सीएस, आईएएस, आईपीएस बना दिया है, वो पायलट बना दिया है, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। यही आपके हमारे बीच के बैठे हुए बालक बालिकाएं। आप इन संस्थाओं को जो 300 बच्चे आज भी 1.5 करोड़ रुपए विप्र फाउंडेशन के इस खाते में लोगों में बकाया है और दान नहीं दिया है। एक बात और बताऊं मैं आपको, जिसको भी है ये सब हमारे हैं, जिनको जरूरत है वो भी हमारे हैं। हम किसी के इज्जत को नहीं उछालेंगे और किसी को अकर्मण्य नहीं बनाएंगे। अरे आपके पास तो जितेंद्र भारद्वाज जैसे लोग बैठे हैं यार, हम कलकत्ता बैठ करके इनसे यहां सोना से वहां के बच्चों की मदद करा देते हैं तो यहां तो आप इनको पकड़ लो, टिकटे फिकटे सब मिल जाएगी यार, छोड़ो उसको। ये टिकटे डाकटे आपके पास सामान होगा ना, ये जो रोड़ा दप्पा अभी मैं सुन रहा था, ये मुझे इस बात पे गुस्सा क्यों नहीं आया? मैं एक दफे एक जगह कहीं गया, कार्यक्रम जब हुआ तो बड़ी बाहर लोगों ने कहा यार अंदर बड़ी जोर आवाजें आ रही थी, शोरगुल हो रहा था। हमने कहा कि हम विप्र जयघोष कार्यक्रम में आए हैं, किसी शोक सभा में थोड़ी आए कि चुपचाप आएंगे और चले जाएंगे। वादों में घोषणा पत्र में इसको शामिल कर लीजिए कि अगर हम आएंगे तो हम करेंगे, इतना ही करना है आपको, बाकी हमको करवाना आता है। उसके बाद में
सिर्फ मैं दो काम करने की बात कह रहा हूं आपसे। एक तो आज यहां से जाने के बाद संकल्प लेकर के उठिए यहां से कि हम ब्राह्मणों की नौका कहां डूबती है। ब्राह्मण जो है ना, कितनी तेज तूफान हो, आंधी हो, समुद्र में उफान आया हुआ हो, वो अपनी नौका को पार कर लेता है। लेकिन ब्राह्मण की नौका वहां जाके डूबती है जहां पे पानी नहीं होता, किनारे पे आके डूब जाती है। हम अपने लोगों को एक मिनट नहीं लगाते किसी भी अपने लोगों की शान को कम करने में, उसकी बुराई करने में, उसकी निंदा करने में। यहां खड़े खड़े निकलते जाए, नहीं है कौन है सुशील हो जा, यहाँ आर्या से बड़ी बड़ी बात कर रहे थे भाई साहब, यहां से बाहर निकले और कोई पूछे कि अंदर में बड़ी जो है आपको भारी मीटिंग हुई, तो आप ये कहो बाहर जाकर के कि हमारे समाज के दिग्गज लोग आए थे वहां पे और हम उनका लाड कर रहे थे, प्यार कर रहे थे, सम्मान कर रहे थे और उस सम्मान के लिए झगड़ रहे थे कि पहले मैं करूंगा और पहले मैं करूंगा, इसलिए हल्ला हो रहा था, ना कि इसलिए कि मेरी विचारधारा था। और यहाँ दो काम जो मैं कह रहा हूँ ब्राह्मण, तो मैंने संस्था की बात कही, संकल्प है भगवान परशुराम की सौगंध है आपको कि सार्वजनिक स्थान पे ब्राह्मण ब्राह्मण की निंदा नहीं करेगा आज के बाद। ताली नहीं बज रही है, हाथ उठा लीजिए, ब्राह्मण ब्राह्मण की निंदा नहीं करेगा। इस बात के लिए आप सहमत है क्या? सुनिए एक बात और कहता हूं मैं आपके तेज को कम करना नहीं चाहता, मैं आपके क्रोध को कम करना नहीं चाह रहा हूं। तेज रखिए, क्रोध भी रखिए, नहीं तो पूछेगा कौन अपने को। लेकिन सार्वजनिक स्थान पे ब्राह्मण ब्राह्मण की निंदा नहीं करे, कमरा बंद करके एक हफ्ते बाद में कोई बात कुछ गड़बड़ी हुई हो तो एक हफ्ते बाद में बुलाइए उसको और कमरा बंद करके और खूब झगड़ा करिए। सुशील ओझा को बुलाइए, सुशील ओझा का छोड़ा छाड़ा फाड़ दीजिए, थप्पड़ मार लीजिए। लेकिन मैं फिर बाहर निकलूं तो फिर आप ये कहिए कि हम इसका अभिनंदन करने आए। किसको दिखाएंगे हम यार, क्या दिखाएं हम, किसको दिखाएं कि हमारे में जोश है यहां पर? अरे ये तो सब हमारे अपने हैं, हमारे माही थे, इनके सामने हम लोड़ा चप्पा करें फिर तो यार करो, चलो वहां करेंगे हम। 1 तारीख को चुनाव की तिथि है, ईश्वर सद्बुद्धि दे चुनाव आयोग को कि श्राद्ध पक्ष में चुनाव कम से कम न हो और 2-4 दिन आगे पीछे हो जाए कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, बाकी तो ठाकुर जी की मर्जी है, भारद्वाज वगैरह बैठे हैं, जो होगा सो होगा। दो काम करने हैं आज के बाद से। पहला काम कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति मुंह बंद रख करके और वैज्ञानिक तरीके से अपने समाज के विकास के लिए काम करेगा। दूसरी बात, हम 10 दूसरे लोगों को, गैर ब्राह्मणों को, ब्राह्मण समाज के साथ जोड़ेंगे और विप्र फाउंडेशन की गतिविधियां उसको बताएंगे। समझिए इस बात को ठीक से, विप्र फाउंडेशन का उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समरसता। समाज में अगर सब जातियों को साथ लेकर नहीं चलेंगे हम तो हमारा ब्राह्मणत्व का तेज कम हो जाएगा। ये तो मजबूरी है हमारी कि हम खुद नहीं बचेंगे तो सबको किसका साथ लेंगे योगेश जी, और किसकी समरसता करेंगे, हम खुद ही सलट रहे हैं। तो खुद के सलटने से बचने का काम है, ये प्राइमरी क्लास है, ये घमंड नहीं है हमको इस बात का, दुख है। हम यूनिवर्सिटी के लोग जो है बूढ़े हो रहे हैं, अभी तक हम प्राइमरी केजी और प्ले हाउस में बैठे हैं, खेलने वाली जो क्लास होती है वो है अभी तो। अभी तो हम खुद अपने आप को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य है कि भारत को फिर से हम जो है सशक्त बनाएं, अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। अपने लोगों का मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब जाति नहीं, ब्राह्मण का मतलब जो सब समाज के विकास की बात करे, जो हरियाणा के विकास की बात करे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके ओजस्वी विचारों से।